मध्य प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री व कांग्रेस नेता प्रियव्रत सिंह गुरुवार को अपने निजी दौरे पर देपालपुर पहुंचे। देपालपुर के चिमनखेड़ी गांव में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान यहां पहुंचे कई किसानों से भी उन्होंने चर्चा की। कांग्रेस पार्टी से मध्य प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री रहे एवं खिलचीपुर विधायक प्रियव्रत सिंह ने देपालपुर के ग्रामीण क्षेत्र पहुंचकर दौरा किया। वे अपने निजी दौरे को लेकर देपालपुर के समीप छोटे से गांव चिमनखेड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान कई किसान भी पूर्व मंत्री से मिलने पहुंचे। किसानों ने बिजली बिल को लेकर चर्चा की। मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि बीजेपी के शासन में किसान परेशान है। वहीं यूपी चुनाव को लेकर कहा कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी में कांग्रेस मजबूती पकड़ रही है और आने वाले समय में कांग्रेस का परचम लहराएगा। हमारे साथी सुमित के बुलावे पर उनके घर आया था। यहाँ पे सभी कांग्रेस के सम्मानीय साथियों से भी मुलाकात हुई, ग्रामीण जन से भी, किसान भाइयों से भी मुलाकात हुई और लगभग सभी लोगों का ये मानना है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो परिस्थितियाँ हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है खेती किसानी के हिसाब से। अभी मुझे यहाँ पे जानकारी दी कि पास में एक गांव है बनेड़िया, वहाँ पूरा भारतीय जनता पार्टी को मतदान होता है और आसपास और भी गांव हैं जहाँ पे मुआवजा राशि, इसकी बीमा राशि का जो बंटन हुआ 2020 की खरीफ और रबी की बीमा राशि का, ये भुगतान नहीं हो पाया है। तो ऐसी किस खेती किसानी से जुड़ी हुई कई समस्याओं का सामना करना अब लागू नहीं है। कोरोना काल में जो बिजली के बिल रोके गए थे वो बढ़ा के दिए गए हैं और उसमें भी सरकार की जो मंशा थी, पहले तो कहा था कि हम माफ़ कर रहे हैं, माफ़ किए नहीं, फिर बोला स्थगित कर रहे हैं। अब स्थगित करने की जगह 4 महीने के एक साथ बिल बना के दे दिए। आने वाले समय में कांग्रेस कितनी मजबूती से फिर सामने आने की कोशिश, मेरा मानना है, मैं ज़्यादा तो नहीं पर मालवा में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ जितनी सीटें अभी हैं उससे ज़्यादा सीटों के साथ हम लोग मालवा में 2023 में अपना झंडा लहराएंगे। साथ साथ मध्य प्रदेश के जो अन्य रीजन हैं, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल, यहाँ पे भी कांग्रेस की स्थिति पहले से बेहतर है। सबसे बड़ी निगाह अभी यूपी चुनाव पर है, यूपी चुनाव को लेकर क्या? यूपी में भारतीय जनता पार्टी जो भ्रम फैला रही है, जिस प्रकार से दादागिरी के स्टेटमेंट आ रहे हैं, कोई किसी मुख्यमंत्री को ये बात शोभा देती है कि हम प्रजातंत्र में आज जी रहे हैं, प्रजातांत्रिक मूल्यों का हमें सम्मान करना चाहिए। तो अगर कोई ये कहे कि 10 तारीख के बाद जिनमें गर्मी है मैं उनकी गर्मी उतार दूंगा, तो 10 तारीख के बाद तो गर्मी का पारा यूं भी बढ़ेगा। योगी जी पहले ठंडक पूरी दुनिया को करा दें, मौसम में ठंडक ले आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा बनिस्बत दूसरे राजनीतिक दलों को चैलेंज करने की। तो ये जो चुनौती देने की राजनीति है ये प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है, प्रजातंत्र कमज़ोर हो रहा है। जो नेहरू जी के, सरदार पटेल के सपने थे उनको भारतीय जनता पार्टी चकना चूर रहा है। मैं 2013 से उनसे जुड़ा हुआ था, वे आए यहाँ, यहाँ आसपास के किसान भी आए थे, उनके माध्यम से हमने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर जो बीमा वितरण में जितनी समस्याएं किसानों को सामना करनी पड़ रही थी वो हम संज्ञान में, कमलनाथ जी है दिग्विजय सिंह जी के संज्ञान में, उनके माध्यम से हमने ले जाने का काम किया। वो उनका व्यक्तिगत दौरा था।